नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं नमो देवे महादेवे शिवाय सततम् नमः नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र शुभदे सयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत देहावसाने
इदमेव चाप्यं गोविंद दाम धर्माधवेति गोविंद दाम धर्माधवेति जिह्वे सत्य मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं पां परमं वदामि आवर्णयपन मधुराचराणि गोविंद दाम धर्माधवेति गोविंद दाम याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दाम धर्माधवेति गोविन्द दाम धर्माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दाम धर्माधवेति गोविंद दाम बिहारी लाल की जय रसिक बिहारी लाल की जय श्री कनक बिहारी लाल की जय श्री दामोदर लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा सिंधु भक्तवांछा कल्प करु तड़ित ज्योति बेनिंदक पीतांबर धारी मेरे प्रभु बाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम तो सर्वसिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज के और पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए वंदन करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान मेरे राजा माधव को मैं अनंत प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण चरितम सूक्ष्म में कहो तो एक श्लोक में भी पूरी भागवत हो जाती है। इतना सा बोलना है कि आदौ देव की देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतन जीव ताप हरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला अमृतम कृष्ण के लीला अमृतम। इसमें पूरी भागवत आ गई। एक श्लोक की रामायण होती है, एक श्लोक की भागवत होती है, एक श्लोक की ऐसे होता है, फिर सात श्लोक की होती है, सप्त श्लोक की दुर्गा होती है, सप्त श्लोक की गीता होती है, लेकिन भगवान के चरित्र तो अनंत अपार होते हैं। यहाँ हम आपको जो सुना रहे हैं ना, यहाँ भगवान के अनंत चरित्र आपको सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, जिनको सुन के आप धन्य धन्य हो जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, क्रमशः कथा चल रही है। कल आपने सुना मेरे गोविंद के लोक में पहुंचे
तीनों महादेवता भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी और धर्मराज, तीनों ने भगवान जी की स्तुति की। दिव्य प्रकाश पुंज को देखा, उन तीनों देवों ने खड़े खड़े बारंबार भगवान की स्तुति की। सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे, इतना प्रकाश पुंज था। वो तीनों देवता उस प्रकाश में ढक गए, घना प्रकाश था। धर्म शिव ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तुति को जो हमने कल स्तुति की थी, जो कोई घर में इस स्तुति को रोज पढ़ लेता है उसको भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त हो जाती है, अत्यंत दुर्लभ भगवत कृपा उसको प्राप्त हो जाती है, कोई भी पढ़ सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार, अब ध्यान से सुनना, एक भी बात छूटने नहीं पाए आप सब, ध्यान रखना, अमृत है। सोना बरसा था हर नंदी के दीवार में, एक धोबी कहने लगा यहाँ घर में तो कम मिलेगा, घाट पे चलते हैं। और इतनी देर में वो घाट पे पहुंचा, इतनी देर में बंद हो गया दर्शन। वो तो भगवान की कृपा थी, दया करके भगवान ने उसके लिए दोबारा भी बरसा दिया। लेकिन ये अमृत बरस रहा है, इसमें तो छोटे बच्चों को तो बोलना नहीं है और बड़ों को ध्यान से सुनना है। एक एक बात ऐसी आएगी अभी समय नहीं, गौर रखना। श्रीमद् भागवत पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार तो धरती माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास देव स्वभाव में गई, जबकि दूसरे पुराणों में धरती माता गई तो हैं पर ऐसा नहीं लिखा कि गौ का रूप बना करके गई। प्रायः सभी पुराणों में, अन्य पुराणों में ऐसा लिखा कि पृथ्वी नारी का रूप बना के, देवी का रूप बना के दिव्य ब्रह्मा जी के पास में गई। लेकिन भागवत में और गर्ग संहिता में लिखा है कि गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई देव सेवा में। यही बात उचित जान पड़ती है। गौ रूप धारण करके जाने का कोई विशेष कारण नहीं जान पड़ता, इसलिए यहाँ पृथ्वी को नारी रूप में ही देव सभा में जाने की बात बताई गई है। ये कहा जाए कि भगवान गौ ब्राह्मण और देवताओं के रक्षक हैं, इसलिए पृथ्वी गौ रूप से गई। तो यहाँ ये बात बताते समय ये भी भूलना नहीं चाहिए कि भगवान तो सबसे ही रक्षक है, क्या वो नारियों के रक्षक नहीं है? नारी का रूप बना के जाएगी तो क्या रक्षा नहीं करेंगे? अरे भगवान तो सब जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं। ऐसी दशा में पृथ्वी का गौ रूप धारण करना कोई विशेष महत्व ऐसा समझ में नहीं आएगा। पद्म पुराण के अनुसार पृथ्वी अपना कष्ट ब्रह्मा जी से बता करके कि मैं बहुत परेशान हूं ब्रह्मदेव, और पृथ्वी ये बात बता के अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने उसको सांत्वना दे करके, समझा करके और कहा तुम वापस चले जाओ और मैं
भगवान से प्रार्थना करूंगा, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए यहां सांत्वना देने की बात कही गई है। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, इन चारों के अनुसार ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर के क्षीर सागर के किनारे गए, जबकि ब्रह्मा विष्णु भगवान के पास तो गए। विष्णु भगवान तो अनेक जगह रहते हैं। चार पुराणों में तो लिखा है कि भगवान क्षीर सागर में थे, और क्षीर सागर में दूध का समुद्र होता है। क्षीर माने दूध, सतोगुणी होते हैं ना भगवान नारायण, सतोगुणी होता है दूध, सफेद रंग। तो क्षीर सागर में गए, ऐसा लिखा चार पुराणों में, और दो में लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में कि वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक अलग बताया है, विष्णु का निवास, और क्षीर सागर में जहां शेषनाग के ऊपर समुद्र में दूध का सागर ऐसा होता है, उसमें सृष्टि क्रम का वर्णन करते समय ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक का वर्णन आया है। यही क्षीर सागर का उनमें वर्णन नहीं आया, इसलिए इस पुस्तक में ब्रह्मा जी का वैकुंठ लोक में जाने का ही जिक्र आया है। क्योंकि जब इसमें बताया कि सृष्टि रचना कैसे हुई, तो बताया कि शिव के लिए शिवलोक बना, विष्णु के लिए वैकुंठ लोक बना, ब्रह्मा के लिए ब्रह्मलोक। इसमें क्षीर सागर का वर्णन आया ही नहीं, तो इसलिए बताया कि वैकुंठ लोक में ही गए ब्रह्मा प्रार्थना करने विष्णु जी से। चौथी बात, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर स्तुति करते करते उस समाधि में लीन हो गए, ऐसा भागवत में लिखा है। के भगवान नारायण की जब स्तुति कर रहे थे ब्रह्मा जी क्षीर सागर के किनारे खड़े होकर के समाधि में लीन हो गए। ब्रह्मा जी समाधि लग गई और क्या हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता चल चुका है, ब्रह्मदेव आप चिंता मत करें, ऐसे आकाशवाणी हुई। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान हर्षिकेश विष्णु, हर्षिक मैंने होती है इंद्रियां, हर्षिक मैंने इंद्रियां, और उनका ईश स्वामी, हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, इनको भगवान ही संभाल सकते हैं। प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं चाहता हूँ अपनी 10 इंद्रियों को और 11 मन को वश में करके आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, पर मेरे से ये वश में होते ही नहीं। ऐसे प्रार्थना जब हम करेंगे तो हर्षिक मैंने इंद्रियां और इनके ईश मैंने भगवान, वो इनको वश में करेंगे। अब भगवान का नाम है हर्षिकेश, हर्षिक ईश, हर्षिकेश। और इसके नाम से हरिद्वार के आगे शहर है हर्षिकेश, बाद में उसका नाम बदल के ऋषिकेश हो गया, ऐसा होता है। हर्षिक इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी विष्णु भगवान, हर्षिकेश विष्णु जी का नाम। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की स्थिति को सुनकर ऋषिकेश ने साक्षात प्रकट होकर के कहा ब्रह्मा जी को, यदुकुल में अवतार लेकर के मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा।
ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने साथ साथ प्रकट होकर के श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े, काले और सफेद दो बाल उखाड़े और कहा ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी का भार और पृथ्वी का क्लेश नाश करेंगे। प्रायः सभी पुराणों में विष्णु भगवान ने नित्य तरुण अवस्था और भ्रमर के समान काले केशों वाला वर्णन किया गया है। भगवान को सभी पुराणों में बताया कि भंवरे के जैसा काले रंग के केश होते हैं विष्णु जी के और नित्य वो युवा अवस्था में होते हैं, कभी बुढ़ापा नहीं आता विष्णु जी को, ऐसा बताया। ऐसी दशा में उनके सिर में श्वेत केश होने की तो बात ही नहीं कही आई सामने। भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने अंश शेष के साथ श्री कृष्ण और बलराम के रूप में ब्रज में अवतार लिया। भगवान के ही अंश हैं शेषनाग, शेषनाग बलराम जी बने और विष्णु भगवान कृष्ण बन के आए, ऐसा वर्णन आता है। उनके श्याम और श्वेत केश नहीं थे। किसी भी प्रसंग में कृष्ण और बलराम को श्री हरि के श्याम और श्वेत केश का अवतार नहीं कहा गया है, इसलिए भी श्याम और श्वेत केश की बात तो तर्क संगत नहीं जान पड़ती। पांचवी बात, ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार वैकुंठ नाथ भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन देकर ब्रह्मा जी को गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में क्या बात आई, अलग है ये कथा कि ब्रह्मा जी को दर्शन दिया विष्णु जी ने, दर्शन देकर के कहने लगे हे ब्रह्मदेव आप ऐसा करो यहां से ऊपर गोलोक धाम है, आप वहां जाओ, वहां आपको दो भुजा वाले भगवान कृष्ण मिलेंगे, आदिदेव पूर्ण तम ब्रह्म श्री हरि ने रज सत तम तीन गुणों का आश्रय लेकर अपना तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट किए, उन्हीं तीनों रूपों से वे सृजन पालन संहार का कार्य संपादन करते हैं। पालन या रक्षा का कार्य विष्णु रूप से करते हैं, पृथ्वी का भार मोचन और रक्षा के लिए ब्रह्मा और शिव का विष्णु के पास वैकुंठ में जाना अर्थ संगत जान पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और शिव को पूर्णतम ब्रह्म श्री हरि के एक विशेष रूप का रूप या अंश बताया गया है, जबकि उनका पूर्णतम रूप गोलोकवासी श्री कृष्ण के रूप में वर्णन किया गया है, इसलिए पूर्णतम ब्रह्म के एक विशेष अंश विष्णु द्वारा अपने पूर्णतम स्वरूप श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा को भेजना तर्क संगत जान पड़ता है। खोल के बात बताई एक एक क्या कि कई ग्रंथों में ऐसी बात आई कि विष्णु के पास वैकुंठ में गए, ठीक है, लेकिन जब और इसको स्पष्ट करके देखा गया, संतों से पूछा गया, तो संतों ने यही बताया कि बात यही ठीक समझ में आती है कि कृष्ण भगवान जो गोलोकवासी हैं, उन्होंने तीनों को ब्रह्मा विष्णु शिव को अपने अंश से अवतार धारण कराए, तो ब्रह्मा और शिव तो पहले ही धर्मराज के साथ में प्रार्थना करने गए थे, तो नारायण भगवान के पास में जब वो गए विष्णु के पास में गए तो विष्णु ने यही बात उनको कही कि मैं तो आपके बराबर का ही हूं, आप यदि चाहते हो कल्याण
तो आप भी मेरे कहने के अनुसार गोलोक धाम में जाओ और वहां आपको श्री कृष्ण चंद्र भगवान पूर्ण ब्रह्म के रूप में मिलेंगे, आप उनसे प्रार्थना करो। तो इस बात को सत्य मानता है, माना जा सकता है। छठी बात सुनो, देवी भागवत के अनुसार धरती गौ माता का रूप धारण करके पहले तो इंद्र के पास गई, उसने अपना दुख सुनाया, इंद्र के कहने से वो ब्रह्मा जी के पास गई, फिर ब्रह्मा जी उसको लेकर विष्णु के पास सभी देवताओं के साथ गए, उनकी स्तुति की और भगवान विष्णु प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का कष्ट बताया और उनसे पृथ्वी का पर अवतार लेने के लिए प्रार्थना की विष्णु जी से, ऐसा देवी भागवत में वर्णन आता है। अब आगे की कथा सुनो, श्री कृष्ण और राधा ने दर्शन दिया देवताओं को, कैसे दिया कब दिया? श्री सुखदेव जी ने कहा वो जो तेज पुंज था गोलोक धाम में, प्रकाश था अनंत, उसके सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय अति सुंदर शरीर देखा जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। कैसा शरीर दिखा उस घने प्रकाश में, सांवला सांवला जैसे बरसने वाले बादलों का रंग होता है, उसके मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका देखो यहां बैठ के आप उनके दर्शन कर सकते हो, कथा आपकी सहायता करेगी। जैसी जैसी कथा में बातें आए वैसा वैसा सोचो कि हम भी वही देख रहे हैं जो कथा बता रही है। ये बहुत ऊंचा ध्यान हो जाएगा जो कभी संतों को भी आसानी से नहीं प्राप्त होता। मैं कथा करते करते ध्यान कर लेता हूँ, आप सुनते सुनते तो कर ही सकते हो, सुनते सुनते ध्यान करना तो और भी आसान होता है, करते करते ध्यान करना बड़ी कृपा होती है ठाकुर जी की। उन मेरे प्रभु का घने प्रकाश में श्याम बादल के समान मुस्कान मंद मंद भगवान की अद्भुत छटा, उसका रूप परम आनंद जनक त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। दोनों गालों पर भगवान जी कृष्ण जी के कुंडलों की चमक जगमगा रही थी। उत्तम रत्नों से बने नूपुर होते हैं चुटकियां पैरों में पहनने की। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सुंदर सुंदर नूपुरों की बड़ी शोभा हो रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा हो रही थी, जैसे सुंदर सी अग्नि होती है घी से प्रज्वलित पीतांबर ऐसे चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी इच्छा से और कौतूहलवश श्रेष्ठ मणियों को रत्नों के सार से उसे रचा गया हो। मनोरंजन की सामग्री मुरली से संलग्न बिंब सदृश अरुण अधरों के कारण उसके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। अति सुंदर मुरली भगवान के लाल लाल नीचे वाले होठ के ऊपर वंशी रखी हुई थी। वह शुभ दृष्टि से देखता भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ता था। उत्तम रत्नों की कुटियों से युक्त विशाल वक्षस्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभ मणि के कारण बढ़े हुए तेज से वह दैदीप्यमान दिखाई दे रहा था। भगवान की छाती में जो हार थे बड़े हीरे
जवाहरात उनमें जड़े थे, दमक रहा था, चमक रहा था, और उन्हीं के बीच में एक मणि बड़ी कौस्तुभ मणि चमक रही थी। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली मेरी किशोरी जी राधा रानी जी को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए अपने प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। खड़ी तो थी वो बगल में ही कृष्ण के, लेकिन टेढ़ी नजर करके वो श्याम सुंदर को ही देख रही थी। मोतियों की पंक्ति जैसे, मोतियों की कतार के जैसे उनके दांतों की पंक्तियां थी, शोभा बढ़ रही थी किशोरी जी की, मुस्कुरा रही थी वो। उनका मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित था, नेत्र शरद काल की प्रफुल्ल कमलों की कलियां जैसे खिलती हैं, ऐसे सुंदर राधा रानी की आंखें खुली हुई थी, लज्जित कर रही थी कमलों को भी, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को निंदित करने के कारण इतने सुंदर मुख से वो मनोहारिणी जान पड़ती थी। जो उनको देखता अपना मन हार जाता। दोपहरिया के फूल की शोभा को चुराने वाले उनके लाल लाल अधर और औष्ठ होठ होता है ऊपर वाला, अधर होता है नीचे वाला, नाम अलग अलग होते हैं दोनों के। अधर और औष्ठ बड़े मनोहर जान पड़ते थे, बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे किशोरी जी। उनके युगल चरणार विंदों में झनकारते हुए मंजीर शोभा दे रहे थे। नखों की पंक्ति श्रेष्ठ मणि रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी, नेल पेंट नहीं लगा रखा था, नाखून इतने चमक रहे थे हीरों की तरह, कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाले चरण तल के स्वाभाविक राग से वे सुशोभित थी। पैरों में पद्म राग नहीं लगा रखा था, रंग ही लाल था, ऐसा पद्म राग के पराग के जैसा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बनी हुई तो पोशाकों में उनके ऐसी श्रेणी उत्तम श्रेणी की पोशाकें थी, विभूषित कर रही थी जो उनको। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके शुद्ध अग्नि की तरह चमक थी उन वस्त्रों में, अत्यंत उद्भासित हो रही थी श्रेष्ठ महामणियों के सार तत्व से बनी हुई कांची से उनका मध्य भाग अलंकृत था। उत्तम रत्नों के हार बाजू बंद और कंगनों से उनकी शोभा बढ़ रही थी। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनके कपोल उद्दीप्त हो रहे थे, चमक रहे थे। कानों में श्रेष्ठ मणियों के कर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। घुंघराले बालों की चोटी बनी हुई, उस चोटी में मालती की माला लपेटी हुई थी। वक्ष स्थल में अनेक वस्तु मणियों की प्रभा फैली हुई थी। पारिजात के फूलों की माला धारण करने से उनकी रूप राशि परम उज्ज्वल जान पड़ती थी। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की अंगूठियों से अति सुंदर लग रही थी। उनके रत्नों के सार तत्व से बनी हुई गुटिका को लाल डोरे में गूंथ करके उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया था। तपाए हुए सोने के समान अंग कांति, सोने के जैसा रंग किशोरी जी के शरीर के सभी अंगों का जैसे सोना चमक रहा हो, सुंदर वस्त्र से ढका हुआ फिर बड़ी शोभा पा रही थी। उनका शरीर अत्यंत मनोहर था, नितंब देश और श्रोणी भाग के सौंदर्य से वे और भी सुंदरी दिखाई देती थी। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी, समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। आभूषणों ने तो मैया को किशोरी जी को सजा रखा था, और ऐसा भी लिखा है किशोरी जी ने आभूषणों की शोभा बढ़ा रखी थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को
बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके पर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए। अतः उन सब देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। दोबारा से ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, दोबारा से विष्णु जी ने दर्शन, शंकर जी ने दर्शन किया, धर्म ने, ब्रह्मा जी बोले, आप भी बोलो साथ में, मन मन में सुनो और ऐसा सोचते रहो कि हम भी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी चंचल भंवरा आपके चरण कमल में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। आपके चरण तो कमल का फूल है और मेरा मन भंवरा बन करके उन चरणों में ही गुंजार करता रहे। औषधि, शांति रूपी औषधि दे करके जन्म मरण के रोग से मेरी रक्षा कीजिए। मुझे सुदृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। ब्रह्मा जी ने क्या मांगा? पकी हुई भक्ति मुझे आप अपने चरणों में लगाइए और दास बना लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। आनंद की बात है। कोई कोई सोचता है और कह भी देते हैं, घर में सेवा करते करते नौकर समझ रखा है क्या? घर वालों को ऐसे बोल देते हैं, और यहाँ झगड़ा हो रहा है, मुझे नौकर बना लो, नौकर बना लो। ब्रह्मा कह रहे हैं, नौकदास बना लो। और हम कह रहे हैं, दास थोड़े ही बनेंगे किसी के। भैया, अपने घर के लोगों के तो दास भी बन जाओ। भगत बनने के लिए दास होना तो पहली सीढ़ी है, जरूरी होता है। तुलसी दास, कबीर दास, समझे? रवि दास, रै दास, कुंभन दास। दास बनना तो ऊंची बात है। कभी मत बोलो अपने घर में कि हमें दास बना के रखा, हमें नौकर समझ रखा ना। भैया, हम तो सेवा करने के लिए इस घर में रहते हैं। हम इस शरीर से सेवा बन जाए इस घर के लोगों की, और ये कुछ काम आता भी नहीं। और नर सेवा, घर के लोगों की सेवा कृष्ण की सेवा ही समझो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा मत समझना कि उनकी सेवा क्यों करें, हम तो बस मूर्ति की सेवा करेंगे। भैया, वो मूर्तियां भी भगवान ने बना रखी है, वो भी मूर्तियां हैं, भगवान की बनाई हुई मूर्तियां। उनकी सेवा करोगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और ये मूर्तियां हैं तो भगवान मेरे ठाकुर जी, पर ये इंसान की बनाई मूर्तियां हैं। इंसान की बनाई मूर्तियों को तो आप पूजा कर रहे हो, और भगवान की मूर्तियों से आप मुंह फेर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, बहस कर रहे हो। भक्ति आगे तो नहीं बढ़ेगी, फिर तो दिखावा बन के रह जाएगी। सब समाज कहेगा, घर में तो देखो रोटी दे सकते नहीं घर वालों को, और बाहर घूम रहे हैं। ऊंची भक्ति करो। ब्रह्मा क्या मांग रहे हैं सोचो। कौन ब्रह्मा? सृष्टि का मालिक ब्रह्मा। कोई कमी थोड़ा ही उनके पास? विधाता हैं, सबके लेख खुद लिखने वाले हैं वो। विधाता को ही आम बोलचाल में बे माता कहते हैं। बे माता ही तो लेख लिखती है सबके, लेकिन बे माता तो अपनी बोली में है, नाम तो विधाता है। तो क्या लिखा? ब्रह्मा कहते हैं, अपने चरणों कमलों का मुझे भोरा बना लीजिए, भंवरा। मैं तो उनका पराग, उनका रस पान करता रहूंगा, और दास भी बना लेना साथ में।
अब शंकर जी कहने लगे हमें भी प्रार्थना करने दो। शंकर जी ने कहा प्रभु भव सागर में डूबा हुआ मेरा चित्त, ऐसे घोर संसार रूपी इस कुएं के चक्कर लगाता रहता है, अपना जो दिमाग है वो मेंढक की तरह इस संसार के ही चक्कर लगा रहा है। घर के पांच सात लोग होते हैं, उन्हीं के इससे बाहर नहीं निकलता दिमाग, उनसे बाहर निकलो, कुएं के मेंढक नहीं बनना। 60 साल से एक ही लड़ाई हो रही है, क्या ये नहीं सुधरते, ये नहीं सुधरता, ये नहीं मानता, ये नहीं मानता। ये लड़ाई तो 60 साल से 40 साल से हो रही लगातार। जो 40 साल में नहीं माने अब एक दिन में थोड़े ही मान जाएंगे, वो छोड़ ही दे उस बात को, उस कथा को बंद करो। जो नहीं सुनते, नहीं मानते, नहीं सुधरते, उस कथा को करना ही बंद कर दे रोज, उनका पीछा छोड़ो, उनकी सेवा करो। जैसे गौ माता की सेवा का फल होता है, गौ माता चाहे दूध देवे ना देवे, चाहे वो अच्छे स्वभाव है उसका चाहे नहीं है, है तो गौ माता, गौ तो माता ही रहेगी, चाहे वो सींग मारे चाहे वो लात मारे, तो रहेगी तो माता। ऐसे ही अपने घर के लोग होते हैं, जो वो चाहे कैसे भी स्वभाव है उनका, है तो वो भगवान का रूप, अपना तो फर्ज उनकी सेवा करना है। उनकी सेवा करने के लिए शरीर और ये जगह आपको मिली है, जहां आपकी ड्यूटी लगा रखी है भगवान जी ने, उनकी सेवा तो जरूर, पहली पूजा तो वही है। उसके बाद दिमाग को उनमें से निकाल के भगवान में लगाओ। भगवान से शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, शंकर तो परम वैष्णव हैं, फिर भी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो दिमाग है वो इस कुएं के चक्कर लगा रहा है, बस संसार की बातें उसमें आती हैं, सृष्टि को संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। शंकर जी कहते हैं मेरे को तो इसी चक्कर में उलझा रखा है कि सृष्टि संसार की और फिर संहार, फिर सृष्टि, फिर संहार, ये तो जन्मते मरते रहेंगे लोग, मेरे को अपने चरणों की भक्ति दो, ये काम तो सदियों से मैं कर रहा हूं, इस विषय को दूर कर दीजिए, अपने चरणों की बस भक्ति दे दीजिए। जब शंकर जी भक्ति मांग सकते हैं, आप नहीं मांग सकते क्या? या आप शंकर जी पे, शंकर जी से भी ज्यादा समझदार हो और कुछ मांगते हो? शंकर जी को तो पता ही नहीं मांगने का, तुम्हें ही पता है, घर दे दो, बेटा दे दो, पोते दे दो, परिवार दे दो, धन दौलत दे दो, शरीर दे दो, स्वास्थ्य दे दो, गाड़ी घोड़े महल बंगले दे दो, ये चीजें शंकर जी ने तो नहीं मांगी, और मांगने के लिए खड़े भी हैं हाथ जोड़े। तो तुम भी थोड़ा आगे बढ़ो, इन चीजों से आगे बढ़ो, ऊंची बात मांगो भगवान से। ये मांग मांग के तो यहाँ दुनिया चली गई यही छोड़ के, ऐसा मांगो जो साथ में रहे, साथ में जाए, और वह भगवान की भक्ति। संतों के चरणों में आकर के एक ही चीज मांगो, भक्ति दे दो प्रभु, बाकी तो सब यही रह जाएगा। भगवान के चरणों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के, बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके एक ही बात मांगो कि मैं सबकी सेवा करूं, और सेवा करने के बाद किसी को बुलाना ना देऊं, अपने ही गुण नहीं गाऊं, और दूसरा भगवान के चरणों की भक्ति का वरदान दे दो। तीसरे स्तुति करते हैं धर्मराज। धर्मराज कहते हैं हे मेरे ईश्वर, आपके भक्तों के साथ मेरी बातचीत होती रही, मैं अपने आप ही भक्त बन जाऊंगा। जो दुष्ट लोग हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, उनसे मेरी बात ना हो, बस इतने कृपा कर दो, गलत लोगों से मेरी बात होनी बंद हो जाए, भक्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी।
भक्ति तो गड़बड़ वही होती है। निंदा चुगली करने वालों के साथ मैं भी बातचीत कर लेता हूँ कभी कभी, तो मेरी भक्ति वही से खराब हो रही है सारी। कामी क्रोधी लोभी अहंकारी लोगों से एक एक घंटा कभी कभी हम भी बात कर लेते हैं। पता है ये लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, फिर भी हम उन लोगों से बात करने लग जाते हैं। वहीं से सब गड़बड़ हो रहा है काम। प्रभु आप उन लोगों से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए, अपने जो भक्ति की बात करते हो उनसे संगति करवा दो, उनसे मित्रता, उनसे प्रेम मेरा हो जाए। कौन कहता है ये? धर्मराज। धर्मराज बहुत ऊंचे देवता होते हैं, धर्म है खुद। विषय रूपी बंधन को काटने के लिए, विषय विकार मिटाने के लिए एक ही तरीका है, भगवान के भक्तों से मित्रता करो। कामी क्रोधी लोभी से मित्रता छोड़ दो, आपके चरणों में अपने आप स्थान मिल जाएगा। इसलिए जन्म जन्म से मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए, आपके भक्तों से संग करा दीजिए, अपने आप ले जाएंगे वहां तक। इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोकामनाएं हो गई तीनों देवताओं की, और से राधा वल्लभ के सामने तीनों देवता खड़े हो गए। देखो राधा वल्लभ लाल जी की बड़ी महिमा है। जब भी वृंदावन में जाओ तो राधा वल्लभ के दर्शन जरूर करके आओ। राधा वल्लभ जी के ही महात्मा हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। राधा वल्लभ के तो देवताओं की स्तुति सुन करके कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखार विंद पर मंद मुस्कान खिल उठी, और वे उनसे हितकर और सत्य वचन बोले। कोई कोई कहता है ना महात्मा है ही नहीं। क्यों नहीं महात्मा? देखा होगा, सब देखते हैं प्रेमानंद जी को। हाँ, क्या दिव्य महात्मा, कितने खुश रहते हैं, हंसते हंसते बस हंसते ही रहते हैं, आनंद में, कभी उदास होते नहीं। ऐसे होते हैं संत, शरीर के तो भूल जाते हैं, बीमार है कितना, किडनिया वगैरह कुछ है ही नहीं, हाँ आनंद से रहते हैं। और हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हंसने के जैसे पैसे लगते हो, हाँ मुंह बना के रखते हैं, हंसने में तो कोई पैसे नहीं लगते। खुश रहा करो, ये भगवान की भक्ति होती है खुश रहना। नाजायज मत हंसो, पागलों की तरह मत हंसो, पर खुश तो रह सकते हैं, खुश रहना तो अच्छी बात है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता। ऐसा कहा शिव को, ब्रह्मा को और धर्म को। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। आप सबके अंदर भगवान कृष्ण बैठे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों के अंदर बैठा हूं, ऐसा लिखा है। परंतु साफ नजर से देखो तो सबको दिख जाता हूँ, इन भगवान समझ के देख लो सब में दिख जाऊंगा, इंसान समझ के देखोगे सबको तो कोई कामी दिखेगा, कोई क्रोधी दिखेगा, कोई लालची दिखेगा, कोई लोभी दिखेगा, अलग अलग रंग दिखेंगे सबके। तुम्हारा जो अभिप्राय है वो सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कार्य है, समय तो लगेगा पर समय पे सब काम ठीक हो जाएगा। तुम परेशान किस लिए हो? तुम कहते हो अभी ठीक हो जाए सब कुछ। भगवान क्या कहते हैं? थोड़ा समय तो लगेगा, तुम लगे रहो भगवत भक्ति में, सब काम ठीक हो जाएगा। तुम कहते हो अभी ठीक हो जाए,
भगवान कहते थोड़ा टाइम तो लगेगा, एकदम नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़े, ऋतु आए फल होए। ऋतु तो आने दो, मौसम तो आने दो, फल तो तभी आएंगे। ऐसा सोचे कि सो घड़े एकदम डाल दो और आज ही फल लग जाए, ऐसे नहीं। बड़ा और छोटा सब कार्य समय पे अपने आप पूरा हो जाएगा। वृक्ष अपने समय पे फलते फूलते हैं, समय ही पर ही सबके फल पकते हैं, समय पर ही कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख संपत्ति विपत्ति शोक चिंता शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल ही तो हैं, और सभी समय पर ही फल तो पकेंगे। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्यारा है और ना कोई किसी का दुश्मन है। समय आने पर कार्य बस जैसे आदमी कर्म करता है उसके हिसाब से कुछ लोग तो उसके शत्रु बन जाते हैं, कुछ लोग उसके मित्र बन जाते हैं, होते हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तुम लोगों ने देखा पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए, वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपक्व से काल के अधीन हो गए, सब राजा हुए और चले गए। मेरा ये समय का जो काल चक्र है, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, ये जो चक्कर चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहता है। इस चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजा हाँ चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और एक कहने लगे, संतों ने बताया, बोले कबीर जी रुको, हाँ बोले साबुत भी बच जाते हैं। बोले कौन से? बोले जो बिल्ली के पास में है ना, लग जाते हैं ना, हाँ दाने, ओ भगवान के चरण किल्ली है, किल्ली के पास में लग जाओ कोई चक्कर नहीं। फिर ऐसे बताया, इंद्र मनु और सभी राजा लोग काल के वश में हो गए, उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य पाप की कथाएं रह गई बस। इस समय भूमि पर बहुत से दुष्ट राजा और भगवत निंदक हैं, उनके बल और पराक्रम तो बहुत हैं, परंतु समय के अनुसार सबको काल खा जाएगा। यह काल कौन कह रहा है? यह बात कृष्ण, इनको विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्मराज को कृष्ण कह रहे हैं। सीधी बात हो रही है आपस में गोलोक धाम में। इस समय मेरी आज्ञा से ये काल उपस्थित है, वायु मेरी आज्ञा से निरंतर चल रहा है, मेरी आज्ञा से अग्नि देवता चलता है, सूर्य मेरी आज्ञा से तपता है, देवताओं मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में, सबके शरीरों में जो रोग भी हैं वो भी मेरी आज्ञा से हैं, उनके कर्मों के फल दे रहे हैं उनको। रोग सब शरीरों में मेरी आज्ञा से ही निवास करते, भगवान की पूजा किया करो अपने आप रोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की आज्ञा से हो रहे हैं वो। जब हम भगवान की शरण में हो जाएंगे तो भगवान क्यों आज्ञा करेंगे उनको? भगवान कहेंगे दूर हटो, निरोग रहने दो इसको। तो ऐसा करके समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है, समस्त जलधर वर्षा करते हैं, मेरे शासन से ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्म ऋषि ब्रह्म में, योगी योग में लीन है। ये सब के सब मेरे भय से भयभीत होकर के अपने अपने धर्म के पालन में लगे रहते हैं। जो मेरे भक्त हैं वो किसी बात की शंका नहीं करते, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। कर्म का कोई फल नहीं, बुरा परिणाम नहीं मिलेगा अगर भगवान की सेवा करोगे, ठाकुर जी की ऐसा लिखा है।
आपसे कितने भी पाप हो जाएं, हो गए पीछे जीवन में, बस आप भगवान की सेवा में लग जाओ, पूजा में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ। भगवान कहते हैं उनको सबको उखाड़ के फेंक देता हूं मैं, पापों को नहीं छोड़ता, फिर उस पाप की वजह कोई सजा नहीं। हे देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, हे विधाता मैं तेरा भी विधाता हूँ, हे संहारकारी मैं संहारकारी का भी संहार करने वाला हूँ, हे पालन करने वाले मैं पालन करने वाले का भी पालन करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए रचने के लिए तैयार रहते हो, इसलिए तुम विश्व के सृष्टा कहलाते हो, और ये धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर और तिनके तक सबका मैं ईश्वर हूँ। मैं ही कर्म फल का दाता, कर्मों को मिटा देने वाला, पाप कर्म हो गए मैं सबको साफ कर देता हूँ, और व्यक्ति को शुद्ध कर सकता हूँ। मेरा नाम जपे बस, मेरी पूजा करता रहे, मुझ पर भरोसा रखे तो उनको कोई पाप का फल नहीं मिलता। मैं जिनका संहार करना चाहूं उनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मैं जिनका पालन करना चाहूं उसको कोई मार नहीं सकता। मैं सबका सृजन पालन संहार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। बोलना नहीं है, बात कथा में यही मेन बात होती है। मैं कथा करता हूँ, आपको बता भी नहीं कौन किसको बता रहा है ये बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान रखो, मेरे भक्त नित्य देही हैं, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को कोई अमर होते हैं, जन्म होता है उनका नित्य देही है, वो अजर अमर है। वो भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं, मैं चरणों की मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं। मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी सेवा के लिए तैयार रहता हूँ, मौजूद रहता हूँ उनकी रक्षा के लिए। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते हैं और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे सदा निशंक और निरापद रहते हैं। इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी दास बना ले। कौन प्रार्थना करते हैं? विद्वान, विद्वान संत प्रार्थना करते हैं हर पल हमें भी दास बना लो। जब विद्वान प्रार्थना कर रहे हैं तो मूर्खों को भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। हाँ, अब विद्वान नहीं है तो मूर्ख तो विद्वान ही हो गए। जब एक ही प्रार्थना तुम भी कर लो, हमें भी दास बना लो भगवान, तो सोचो आपने भी विद्वानों वाला काम कर दिया। दूसरे किसी वर की इच्छा नहीं, जो मुझे दास भाव की याचना करते हैं वो तो सब धन्य हैं, और दूसरे सब के सब वंचित हैं। जो सब कुछ मांग लेते हैं धन दौलत, पर ये बात नहीं मांगते कि मुझे भी दास बना लो, वो तो ऐसे ही दुनिया में आए ऐसे ही ना आए, ऐसा लिखा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय यम यातना, ये सारे कष्ट अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को प्राप्त नहीं होते। ये तो बड़े आनंद की कथा है, इसको तो मन करता है 24 घंटे ही पढ़ते रहो सुनाते रहो। तो ऐसा मेरे भक्त पाप और पुण्य किसी कर्म में डूबते नहीं, उनके कर्म भोगों का निश्चय ही मैं नाश कर देता हूँ। मैं भक्तों का प्राण बन जाता हूँ, भक्त मेरे प्राण बन जाते हैं। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं, मैं दिन रात उनका ध्यान करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नाम का चक्र बड़ा तेजस्वी है, संपूर्ण जीवधारियों में जितना तेज है वे सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। उस अभीष्ट चक्र को भक्तों की रक्षा के लिए मैं उनके पास छोड़ देता हूँ।
मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। कहता है भगवान, कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरे सुदर्शन चक्र को उन भक्तों के पास में उनकी रखवाली में मैं छोड़ देता हूँ कि मेरे भक्त हैं ये, आप इनकी रक्षा में रहो, जो इनका शत्रु आए उनको नष्ट करते रहो। भगत को सुदर्शन ना भी दिखे पर सुदर्शन उनकी रक्षा करता रहता है। और दूसरी बात फिर भगवान ने बोली, ऊंची बात, कहने लगे सुदर्शन को छोड़ के उनके रखवाली में फिर भी मेरा मन टिकता नहीं, फिर भी मैं बार बार जाके संभाल के आता हूँ, हाँ ठीक है कि नहीं है? ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, मेरे को तसल्ली नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास बार बार जा जा करके देखता रहता हूँ। तुम सब देवता और प्राण आदिका लक्ष्मी भी मुझे मेरे भक्तों से ज्यादा प्यारी नहीं है। जो अपने स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे याद करते हैं, उनके स्मरण में उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर दिन रात किया करता हूँ। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप घर को छोड़ के भगवान को भजो। त्यागने का मतलब ये है, शरीर तो घर वालों के काम में लगा दो, मन भगवान में लगा लो, मन उन लोगों में नहीं फंसा के रखना पूरा दिन, और शरीर से काम करो उनके, उनको तो काम और शरीर, दाम और काम चाहिए, संसार को तीसरा कुछ नहीं चाहिए, एक तो दाम एक काम तीसरा कुछ नहीं। तुम कह दो घर वालों को कि देखो काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, बस मन मन से तुम्हारे को याद करते रहेंगे हम बैठने। घर वाले कहेंगे ले हमने क्या कराना है मन से याद करा के, हमें तो काम करो। काम और दाम प्यारा होता है, और देखो भगवान कितने सुंदर है, कितने अच्छी बात कहते, काम तो इनके ही करते रहो, याद मेरे को करते रहो, मैं तो इससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और कहते हैं हे शिव, हे ब्रह्मा, हे धर्मराज, जो मेरे को याद करता रहता है, घर वालों को याद नहीं करता, उनके काम करता है बस, और याद मुझे करता है उनको छोड़ के, उसी तरह से मैं आपके काम कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको याद नहीं करता, मैं अपने भक्तों को याद करता रहता हूँ बैठा बैठा। और ये सच बात है, कैसे, अगर आपको बैठे बैठे भगवान की याद आ जाए तो सोचो भगवान बैठे बैठे आपको याद कर रहे हैं, ये बात प्रमाण होती है। जो लोग भक्तों ब्राह्मणों और गौओं से द्वेष करते हैं, आहा बोल समझने की बात है, ब्राह्मणों से भक्तों से और गौ माता से जो द्वेष करता है और यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के तिनके अग्नि की चिंगारी से नष्ट हो जाते हैं 2 मिनट में। ऐसे ही जो गौ ब्राह्मण साधु और भगवान के मंदिरों से द्वेष करते हैं तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब उनको कोई नहीं बचा सकता। देवताओं मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, तुम लोग भी अपने अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार ग्रहण करो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाया, कहां थे, गोलोक में ही थे सब, गोपियों को बुलाया, गोपों को बुलाया, मीठी सत्य समय अनुसार बातें कही, गोपो गोपियों सुनो, तुम सभी नंद राय के श्रेष्ठ व्रज में अवतार ले लो, राधा जी तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर में पहुंचो, वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी स्त्री हैं, उनका नाम है कलावती, वे शुक्ल की पुत्री हैं,
लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुए हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है। किसकी कन्या है? पितरों की। कौन? राधा जी की माँ। पितरों की कोई कोई कहता है पितर तो होते ही नहीं। अरे पितर होते नहीं तो पितरों की कन्या और राधा की माँ कहाँ? बोले राधा को तो हम मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं जी, पितरों को नहीं मानते, होते ही नहीं पितर तो। अरे पितर नहीं होते तो राधा की माँ नहीं होती, राधा की माँ नहीं होती तो राधा कहाँ से आती? ध्यान से सुनो कथा। पितरों की मानसी कन्या है, नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती हैं। पुराने समय में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ब्रजमंडल में उसका जन्म हुआ है। राधा की माँ का जन्म क्यों हुआ? दुर्वासा ऋषि ने पितरों की कन्या को श्राप दे दिया, जाओ धरती पे आना पड़ा। उन्हीं कलावती की बेटी बनकर के तुम जन्म ग्रहण करो। दो नाम भी हो सकते हैं ना, एक तो नाम कीर्तिदा और ये नाम आया कलावती, तो नाम एक व्यक्ति के दो भी हो सकते हैं। अब शीघ्र नंद ब्रज में जाओ कमलानने, मैं बालक रूप से वहां आकर के तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो, मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूं। हम दोनों का एक दूसरे से कुछ भी अलग नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। ये सुनकर श्री राधा प्रेम से विह्वल होकर के रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों के द्वारा श्री हरि के मुख चंद्रमा की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। उसी समय वहां एक उत्तम रथ विमान वहां आ गया, जो श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व तथा हीरक से विभूषित था। हीरों से सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उस विमान से भगवान नारायण अपने पार्षदों और लक्ष्मी तथा सरस्वती के साथ वहीं पधार गए। श्री नारायण के चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, तन पर पीतांबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, वक्षस्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उन्हीं के साथ सुरम्य शरीर वाली शुक्ल वर्णा, मनोहरा ज्ञान रूपा, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी थी, जिनके हाथों में वीणा पुस्तक स्फटिक माला सुशोभित थी। माथे पर स्वर्ण का किरीट, भाल पर कस्तूरी का तिलक, श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से बने विविध आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन्हीं के साथ तपाए हुए सोने की तरह चमकते हुआ लक्ष्मी देवी भी वहां पधारी। उनका मनोहर मुख शरद काल के चंद्रमा की तरह सुंदर था। माथे पर सुंदर मुकुट, भाल पर कस्तूरी का तिलक और श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से बने विविध आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। हाथों में हजार पत्तों वाला कमल का फूल, सहस्रदल लीला कमल सुशोभित था। पारिजात के फूलों की माला से उनका वक्षस्थल विभूषित था। पत्नियों और पार्षदों के साथ विमान से उतर कर श्री नारायण देव गोप गोपियों से भरी उस रमणीय सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता गोप गोपियां सभी आनंद से उठ करके खड़े हो गए। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। स्तुति समाप्त होने पर श्री नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। उसी समय एक दूसरा सोने का रथ भी आया। उससे जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु स्वयं उतर कर उस सभा में आए। चतुर्भुज युक्त, वनमाला धारी, पीतांबर किरीट कुंडल से विभूषित, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान भगवान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। उन्हें देखते ही सभी लोग दोबारा फिर खड़े हो गए और प्रणाम करके उनका स्वागत किया। उसके बाद वे भी
श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। ये दोनों महान आश्चर्य देखकर उन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। अधरम मधुरम ऐसा प्रसाद करो मधुरम मधुरम मधुराधिपते वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चरितम मधुरम गणितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते।
मधुरम बोलिए वृंदावन।